गाइज वेलकम टू YouTube इंस्टीट्यूट। आज हम इस वीडियो में बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 को बनाने से पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ईजी है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया, हम लोग को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करना है। सब्सक्रिप्शन दिया हुआ, आउटस्टैंडिंग इन प्रीवियस ईयर का, करेंट एंड प्रीवियस ईयर का दिया, सैलरी भी दिया हुआ है एंड फर्नीचर एंड बुक दिया हुआ है। इसमें कोई एक्स्ट्रा एडिशनल, बहुत ईजी है। तो चलिए पुट करते हैं। देखिए सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 31 अभी बताए थे, इसको इतना का था मगर इतना में बेचा गया, तो यहाँ पे भी लॉस हो रहा है। तो पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो यहाँ पे पहला आइटम है कैश बैलेंस 19,005, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बुक। अब चलिए हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाते हैं। इसमें भी बहुत ही इजी दिया हुआ है। तो पहले हम लोग आइटम सब्सक्रिप्शन को लिखेंगे, इस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस करेंगे, फिर हम लोग आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का प्लस करेंगे, फिर नेक्स्ट आइटम है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर मेन ग्रांट्स बाय इंटरेस्ट ऑन इफ लोग, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इसका निकालना है। अभी कैलकुलेशन करके निकालेंगे। देखिए इसका कैलकुलेशन हम यहाँ पे करके दिखाती हूँ। सबसे पहले 20,000 का, जिसपे 9% का 9% पर एनम दिया हुआ है एंड और ये मंथ है, तो हम लोग इसको काटेंगे 50। तो ये अमाउंट जो कि कैलकुलेट किए हम लोग, रिसिप्ट के साइड दिया हुआ 450 रुपीज़। तो ये जो हम लोग निकाले 13,000, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 13,050 रुपीज़। अब इसमें हम लोग इसको माइनस करेंगे तो आएगा 900। तो यही निकालना था हम लोग को, आउटस्टैंडिंग निकालना था, जो कि आउटस्टैंडिंग निकल गया। अब हम लोग एक्सपेंडिचर का आइटम को पुट करते हैं। तो पहला लॉस हो रहा है ओल्ड फर्नीचर को 7,000 में 5,700 माइनस करेंगे, आएगा 1,300। फिर नेक्स्ट आइटम है सैलरी, जो कि 3,000 दिया हुआ है, उसमें आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का है 600 रुपया, तो 3,600 हुआ। फिर न्यूज़पेपर इलेक्ट्रिसिटी में रेंट में भी आउटस्टैंडिंग है करेंट ईयर का, तो ये हमने सारा अमाउंट को पुट कर दिए। अब देखते हैं प्लस करके 40,800 आ रहा है, तो यहाँ पे सरप्लस आएगा 24,850। अब उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट को बनाते हैं हम लोग। पहले हम लोग लायबिलिटी साइड का आइटम को लिख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी 600, आउटस्टैंडिंग रेंट 1,200, फिर कैपिटल फंड में सरप्लस रहा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,500। ठीक है, और ये जो है ना, ये सॉल्यूशन स्टील इन एरियर का है। स्टील इन एरियर हम लोग आया 800। ठीक है, ये इस आइटम में इस आइटम को माइनस कर FD जो कि हमने निकाले 900, अभी जो सॉल्यूशन करके निकाले थे। फिर बुक है जो कि परचेज हो रहा है, फिर फर्नीचर भी है, माइनस हो जाएगा। सेवेंटीन एंड लास्ट आइटम है कैश बैलेंस 11,200 है। तो ये सारा आइटम हमने लिख लिए।
चलिए अब हम इसको प्लस करके देखते हैं, तो प्लस करने पे आता है हम लोग का 70,500 एंड इस साइड भी 70,500। तो ये क्वेश्चन नंबर 32 बहुत इजी था, बस डबल अकाउंटिंग करना था। तो ये कंप्लीट हो गया।